मुंबई में बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह का राहुल पर निशाना, कहा हम दो सीट हारे लेकिन कांग्रेस की जमानत ही जब्त हो गई। अमित शाह ने कहा 2019 का काउंटडाउन शुरू, बाढ़ आने पर सब बह जाते हैं, मोदी जी की बाढ़ में सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आरक्षण को लेकर अमित शाह की राहुल गांधी को चुनौती, कहा कभी नहीं हटेगा आरक्षण और आप हटाओगे तो हम हटाने भी नहीं देंगे। बीजेपी 11 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, अमित शाह ने कहा अब सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी दिखती है। बीजेपी का आज 38वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। पीएम नमो ऐप के जरिए 5 लोकसभा के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, 734 जिला अध्यक्षों से भी बात करेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा विपक्ष तोड़ने की राजनीति कर रहा है, बीजेपी तोड़ने जोड़ने पे सबसे बड़ी पार्टी बनी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा विपक्ष के संसद नहीं चलने के विरोध में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में 12 अप्रैल को अनशन करेंगे। बीजेपी स्थापना दिवस पर यूपी के सीएम योगी ने कहा 1951 में 11 सदस्यों से शुरू हुई, आज 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी बन चुकी है। सीएम योगी ने 26 मई 2014 को बताया सबसे अहम दिन, इसी दिन पीएम मोदी ने शपथ ली। संसद सत्र के आखिरी दिन आक्रामक हुई सरकार, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, कांग्रेस पर संसद को बंधक बनाने का लगाया आरोप। संसद परिसर में जुटे बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री, हाथ में पोस्टर लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का हंगामा, लोकसभा राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।